नमस्कार दोस्तों, तैयारी जीत के चैनल पर सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से कई सारे मेरे सब्सक्राइबर्स जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर, अंतिम समय में कौन सी बुक्स पढ़ी जाएँ UPPCS के लिए। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बुक्स आज इस वीडियो में आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ। और इन बुक्स की महत्वता इसी बात से सिद्ध होती है कि खुद मैंने आखिरी 3 PCS के एग्ज़ाम जो हुए हैं PT के संदर्भ में क्रैक किया है, अंतिम समय में इन्हीं बुक्स को बार बार रिवीजन करके। ठीक है, तो इस बुक्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो सलाह मैं देने जा रहा हूँ ये सभी के लिए समान प्रकार से लाभान्वित हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप इसके साथ सहमत हो भी सकते हैं और सहमत नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जो ट्रेंड आ रहा है UPPCS का, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ना होगा पूरे साल भर। ठीक है, हर टॉपिक विशेष के लिए जो है मार्केट में डिफरेंट बुक्स हैं, लेकिन जब 30 दिन बच जाते हैं, 20 दिन बच जाते हैं या फिर 1 महीना से कुछ दिन ज़्यादा, अभी कोई श्योर नहीं है कि 19 अगस्त को ही पेपर हो, लेकिन हम मान के चलेंगे कि 19 अगस्त को आयोग की PT की परीक्षा है, तो ऐसे में केवल दो ही चीज़ें पढ़ सकते हैं। या तो आपने साल भर नोट्स तैयार किए हों वो हर टॉपिक के, या फिर आपके पास कुछ ऐसा मटेरियल हो जो आपको अंतिम समय में बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी अपनी दे सके, आपको परफॉर्मेंस के रूप में बेहतर बना सके एग्ज़ाम वाले दिन। तो ऐसे में वो कौन सी बुक्स हैं उसी संदर्भ में मैं आपको सलाह देने जा रहा हूँ। ठीक है, ये बुक्स मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रही और मैंने अपनी किताबों को कभी बदला नहीं है, एक ही किताब को बार बार पढ़ा है। और आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप जो भी बुक चूज़ करते हैं अपने विश्वास से कि ये बुक्स बहुत अच्छी है उस टॉपिक विशेष पर, उसी को रखें। ठीक है, क्योंकि UPSC और PCS के संदर्भ में हमें कम से कम मटेरियल के साथ बार बार रिवीजन करना पड़ता है, तभी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं और सफल लोगों का यही जो है सुझाव भी होता है। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास अगर कोई इस तरह का मटेरियल पहले से उपलब्ध है तो उसी को अच्छे से रिवीजन करें। ठीक है, मार्केट में नए सोर्सेस आते रहते हैं और हमेशा आते रहेंगे, लेकिन आपको डाइवर्ट नहीं होना है, आपको उन्हीं मटेरियल्स को बार बार से अच्छे से रिवीजन करके, और कोई नई चीज़ अगर एड ऑन हो रही है तो उसमें जो है सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए आपके द्वारा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये जो तीन ये जो बुक्स बता रहा हूँ ये करीब करीब 9 बुक्स हैं हर टॉपिक पर, और इनसे UPPCS का पूरा जो है PT का तैयारी हो जाएगी हो जाती है। अभी तक तो फिलहाल मैंने 3 PCS एग्ज़ाम क्रैक किए हैं और इस बार भी। और ये जो बुक्स है ये ट्रेडिशनल पार्ट आपका बहुत बहुत कवर करा देंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल, ओनली ट्रेडिशनल पार्ट, जो कि अक्सर वेटेज में बहुत ज़्यादा होता है UPPCS के एग्ज़ाम में। तो चलिए पहले एक बार हम बुक्स को देख लें। दोस्तों, ये बुक्स हैं यूथ कंपटीशन की, यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो पब्लिकेशंस की बुक्स हैं, इसमें GS के 9 पार्ट्स हैं। हर टॉपिक विशेष पर एक बेहतरीन बुक है जिसमें 40,235 प्रश्नों का संकलन किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं GS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये बुक्स अंतिम समय में पढ़ने के लिए बहुत ही बेहतरीन है, केवल अंतिम समय में। ठीक है, अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है पूरे 1 वर्ष का जिनके लिए, उनके लिए जो है इनसे जो है काम नहीं चलेगा, उनको व्याख्यात्मक रूप से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मेंस हो गया है, तो इनसे सिर्फ और सिर्फ PT ही क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, हर बुक में 40,000 से ज़्यादा प्रश्न हैं, इसमें आपको UPSC कवर किया हुआ है और उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी को कवर किया गया है। अगर इसकी तुलना घटना चक्र से की जाए तो ये घटना चक्र से भी बेहतर बुक है। क्यों? क्योंकि घटना चक्र में कुछ पेपर्स को जो है कवर नहीं किया गया, जैसे कि UPPCS में GIC का एग्ज़ाम हो, लोअर सबॉर्डिनेट हो या फिर UP SSS हो, इन सब को कवर नहीं किया गया इस बुक्स में। सभी एग्ज़ाम्स को जो यूपी में हुए हैं उन सबको एक साथ चैप्टर वाइज कवर किए गए हैं, तो अंतिम समय में आप इन बुक्स से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है,
2016 तक के प्रश्न जो है आपको इसमें मिल जाएंगे, और इन्हीं बुक्स से पढ़ करके जो है मैंने पिछले 3 अटेम्प्ट जो है पीटी आराम से क्रैक किया, करंट अफेयर को अच्छे से तैयार किया, जिससे कि मेरा जो है आराम से पीटी आराम से क्लियर हो जाता था। तो आपका भी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स हों जीएस के लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जो है वीडियो सीरीज शुरू की जाए, तो मैं उसकी शुरुआत कल से करूँगा। हर टॉपिक पे आपको जो है प्रश्नों के रूप में मैं तैयार करवाऊँगा कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो UPPCS में आ सकते हैं उस संदर्भ में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ये बुक्स आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर मिल जाएंगी, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक विशेष पर, परीक्षा के दृष्टिकोण को रखते हुए मैं समझाने का प्रयास करूँगा कमेंट के माध्यम से, नहीं तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो इन बुक्स को परचेज करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।